अगर इस तरीके से लॉस रिकवरी करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर लीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल को। देखिए इनका सारा लॉस रिकवर हो गया है, आपको भी करना है तो ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। और अब आरबीआई के लिए टेंशन बढ़ने वाली है, और आपको मैं बता दूं कि ये पंपिंग जल्द ही देखेगा एक प्रॉफिट बुकिंग देने वाली है, और अच्छा प्रॉफिट बुकिंग देने वाली है। तो अगर आप देखेंगे विद इंडियन रुपी नियर टू देखेगा रिकॉर्ड लो, यानी कि अब तक का सबसे बड़ा लो इंडियन रुपी बनाने वाला है। और आरबीआई स्टेप अप एनडीएफ इंटरवेंशन, यानी कि आरबीआई को अब इसके लिए बड़ा पैसा खर्च करना पड़ेगा, क्योंकि सरकार के लिए ये बड़ा घाटा सामने आने वाला है। कुछ भी कहीं पे भी कुछ भी चल रहा हो, बट ये मानिए कि ये पर्टिकुलर जो देखेगा रुपी का ये आपको जो रिकॉर्ड लो देखने को मिल रहा है, इससे सरकार को बड़ा घाटा हो रहा है। चूंकि आपको पता है कि क्रूड ऑयल के प्राइसेस ऑलरेडी बढ़े हुए हैं, और हमारी करेंसी का ये लो पूरी तरीके से हमारे इम्पोर्ट पे असर करेगा, हमारे बजट के डेफिसिट को बहुत ज़्यादा वाइड कर देगा, और ऐसे में महंगाई और बढ़ जाएगी। महंगाई क्या हो जाएगी? और ज़्यादा बढ़ जाएगी। और आप देखेंगे तो अब ये आरबीआई के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट देखेगा चीज़ है कि यहाँ पे किसी भी तरीके से यहाँ पे जो करेंसी जो है जो बैक टू बैक लो बना रही है, इस लो को रोकना है। क्योंकि अगर करेंसी का लो नहीं रुका और इन्फ्लेशन इतनी तेज़ी से है, इलेक्शन एकदम देखिएगा सर पर है, तो आपको पता है सरकार को जवाब देना पड़ेगा आरबीआई को, जैसा उसने पिछली बार करा था जब 2-6% के ऊपर हमारा इन्फ्लेशन 2 महीने लगातार आया था। जब लगातार 2 महीने इन्फ्लेशन 6% के ऊपर आएगा तो आपको पता है आरबीआई को जवाब देना पड़ेगा सरकार को, और पूछना पड़ेगा क्यों आपके टारगेटेड लेवल से ऊपर चल रहा है इन्फ्लेशन। और आपको पता है कि अगस्त का डेटा खराब आया ही था, और इस बार भी 6% से ऊपर आना तय है। इन्फ्लेशन जो है वो 6% से ऊपर आएगा ही आएगा, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। तो अगर आप देखेंगे तो फ्रीक्वेंटली इंटरवेनिंग इन द नॉन डिलीवरर फॉरवर्ड, तो देखिएगा एनडीएफ मार्केट में पूरी तरीके से रुपी को बचाने के लिए यहाँ पे लगातार वर्क कर रहे हैं 4 bankers, तो आप समझ सकते हैं लगातार वर्क कर रहे हैं। और आपको पता है फिर भी रुपए का लो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। इससे पहले कब गया था रिकॉर्ड लो पे? अक्टूबर 2022 में 83.29 पर गया था, और तब बड़ी गिरावट आई थी। और अगर आज चाइना का भी रिजर्व देखेंगे तो वो भी काफ़ी डाउन हुआ है इसी पर्टिकुलर वजह से। तो आप देख सकते हैं कि इस तरीके से आरबीआई ने अगर अभी हमारी करेंसी के लो को नहीं बचाया तो ये लो बिल्कुल भी नहीं रुकेगा, क्योंकि अमेरिका का डेटा बैक टू बैक अच्छा आ रहा है, और अगर ये बैक टू बैक अच्छा आया तो ये हमारी करेंसी के लिए पैनिक क्रिएट कर देगा, एशिया के मार्केट के लिए पैनिक क्रिएट कर देगा। अब आप देखेंगे ये फॉरेक्स का जो डेटा आया है $4 बिलियन बढ़ के तो आया है, लेकिन आपको ये बता दें ये डेटा तब आया है जब पिछले हफ्ते आपका जो देखेगा करेंसी था वो 82.6 पे था, लेकिन अब इस पर्टिकुलर वीक में आप सभी जानते हैं लगातार हमारी करेंसी 83 के ऊपर रही है, और इस कारण से ये जो छोटा सा पंपिंग हुई है ये बड़ा देखेगा घाटा देके जाएगी अगले इसी फ्राइडे को, यानी कि जो नेक्स्ट फ्राइडे आने वाला है इसी फ्राइडे को, और इससे बड़ा पेन क्रिएट होगा ओवरऑल बैंकिंग सेक्टर में। क्योंकि आपको पता है कि ऐसा पहले भी हो चुका है कि 2-3 हफ्ते देखिएगा थोड़ा बहुत मार्केट उठा, फॉरेक्स उठा, और उसके बाद अचानक से फ्री फॉल देखने को मिला। तो आप देख सकते हैं चाहे वो गोल्ड रिजर्व हो, चाहे वो देखिएगा आपके फॉरेक्स रिजर्व हो, आरबीआई को यहाँ पे डॉलर की तेजी को रोकने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, और अपनी करेंसी को 83 के नीचे रखना पड़ेगा ताकि सरकार को कोई बड़ा घाटा ना हो। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अभी भी बैंक निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई के आसपास पहुँचने वाला है, और जिस तरीके से ये बैंक निफ्टी ऊपर मार्केट पे जाएगा तो आपको पता है
ऊपर की तरफ पे आपको हर बार मैं बता दूं कि यहाँ पे यूएस डॉलर काफ़ी तेजी से अप होता है, देन आफ्टर दैट आरबीआई उसमें पोजीशन बनाता है और देन फॉरेक्स डाउन होते हैं, फिर हमारी पोजीशन आईएमएफ में कम होती है और फिर आपको बड़ी प्रॉफिट बुकिंग 700-800 पॉइंट की देखने को मिलती है। तो अगले हफ्ते से देखिएगा बहुत सारा डेटा आने वाला है जो आरबीआई के फेवर में नहीं आएगा, जिसके बाद अगला हफ्ता प्रॉफिट बुकिंग का हफ्ता भी हो सकता है। बी रेडी फॉर इट। थैंक यू सो मच।